नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज हम इन वीडियो में बात करेंगे आपके जून राशि के मासिक राशिफल की और बताएंगे कैसा रहने वाला है जून का महीना आपकी राशि के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी भी है। और यदि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास समय से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। सबसे पहले जानते हैं आपका करियर। करियर के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। मेहनत और प्रयास से आपके लिए नौकरी में सफलता के योग हैं। इस दौरान दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और अधिकारी आप पर भरोसा करेंगे। अगर आप काम को समय पर और जिम्मेदारी से पूरा करेंगे तो आपके प्रमोशन का रास्ता भी खुल सकता है। आपको हमारी सलाह है कि सहयोगियों के साथ अच्छा बर्ताव करें और सावधान भी रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, उनकी उम्मीद पूरी हो सकती है। नई नौकरी के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। कारोबार या व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का उत्तरार्ध कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको निवेश करने या नया फैसला लेने में सावधान रहना होगा। हालांकि महीने का पूर्वार्ध आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। बिजनेस में विस्तार के योग हैं। आप किसी दूसरे क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। काम के सिलसिले में आपको किसी अपरिचित शख्स का सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करने से आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के नवम भाव में जाने से भाग्य और कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ दिखेगा। उच्च पदाधिकारियों से आपके संबंध बनेंगे और इस वजह से आपको काम बाहर निकलेगा और आप सफल रहेंगे। शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह माह मिश्रित रहेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह के पंचम भाव में वक्री होने से इस समय पढ़ाई लिखाई में आपका मन कम लगेगा। विद्यार्थियों के लिए कन्फ्यूज़न और मानसिक दुविधा जैसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि शनि के अपनी राशि का होने से आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले दोस्तों से दूरी बनाना आपके लिए ठीक होगा। आप अपने मन की दुविधा शिक्षकों से बताएंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में बड़ी सफलता मिल सकती है। शिक्षक आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे निखारने में मदद करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह कठिन समय होगा। परीक्षा की तैयारी को लेकर कई आशंकाएं आपके मन में आ सकती हैं। आप निराशा से बचने की कोशिश करें। किसी सीनियर से बातचीत करके अपनी कमियां समझने की कोशिश करें। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपके लिए अच्छी सफलता की संभावना है। सामान्य तौर पर पढ़ाई में रुकावट बनी रहेगी, लेकिन आपको लक्ष्य पर नज़र रखनी होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति महीने के अंतिम सप्ताह में संभव हो सकती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह महा उथल पुथल से भरा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में बृहस्पति के साथ रहेंगे, जिससे परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेंगी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में अनबन हो सकती है। किसी पुराने विवाद पर परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस दौरान जितना हो सके आप अपने परिवार से दूरी बनाकर ही रखें। आपकी सक्रिय भूमिका से परिवार में अशांति हो सकती है। इस समय आपकी अच्छी बात या सलाह का भी उल्टा मतलब निकाला जाएगा। जहां तक हो सके शांत रहें और मधुर वाणी का इस्तेमाल करें। घर के बड़े बुजुर्गों से अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करें और उनका भरोसा जीतने का प्रयास करें। इस दौरान घर के किसी बड़े बुजुर्ग, खासतौर से माताजी को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। इसी वजह से परिवार में चिंता का माहौल भी रहेगा। इस मामले में किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और माताजी के स्वास्थ्य की देखभाल करें। माह के पूर्वार्ध में भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपने दिल की बात समझाने की कोशिश करें और अपनी नेक नियतियों का भरोसा दिलाएं। भाई बहनों के सहयोग से आपको हर काम में सहायता मिलेगी और सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंध के मामले में यह महीना मुश्किलों से भरा रहेगा। लवमेट के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। पंचम भाव में शनि ग्रह के होने से तनातनी बढ़ सकती है। इस दौरान आप सजग होकर काम करेंगे तो सफलता रहेगी। प्रेम कारक ग्रह शुक्र के राहु के साथ अष्टम भाव में होने से किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप गलतफहमी का शिकार बन सकते हैं, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में ना आएं। अच्छा होगा अगर आप अपने मन की बात सीधे और साफ तरीके से अपने प्रियतम को बताएं। आपकी बातों की सच्चाई प्रियतम के साथ आपकी अनबन दूर कर सकती है। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप अपने साथी को पूरा समय दें। एक अच्छे उपहार से भी बिगड़ी हुई बात बन सकती है।
कुछ जातकों के जीवन में प्यार दस्तक दे सकता है। साथ में काम करने वाली किसी लड़की के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा और संभव है कि आप दोनों दोस्त बन जाए। तुला राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में प्रेम कारक ग्रह शुक्र के होने से जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा। तुला राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आपको जीवन साथी का सहयोग हर क्षेत्र में मिलेगा। इस दौरान आप जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। ससुराल पक्ष की ओर से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप ससुराल के किसी कार्यक्रम में पूरे जोर शोर से शामिल हो सकते हैं। बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की। यह समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि की दृष्टि एकादश भाव पर होने से आमदनी में वृद्धि के योग है। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य के साथ बुध ग्रह के अष्टम भाव में होने से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए पैतृक संपत्ति के मार्ग खुलेंगे। पारिवारिक संपत्ति में आपको अच्छी हिस्सेदारी मिल सकती है। पारिवारिक जमीन जायदाद से आमदनी का स्रोत बनेगा। संभव है कि इस दौरान आप कोई स्थायी संपत्ति बेचने का फैसला करें। खरीदे बेचने के सौदे में अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। कारोबार हो या व्यापार, करने वालों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारियों को सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है। माह के उत्तरार्ध में व्यापार में और भी मजबूती आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया दिखेगी। इस दौरान आप कारोबार में जो निवेश करेंगे उससे आपको फायदा होगा। शेयर मार्केट से जुड़े जातक इस वक्त बाजार में अच्छा पैसा कमाएंगे। शेयर मार्केट में तेजी आने से आप फायदे में रहेंगे और छोटी कंपनी के शेयर आपको अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह मिश्रित समय रहने वाला है। छठे भाव में बृहस्पति और मंगल की स्थिति होने से आपको फायदा होगा। इस वक्त बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहेगी। आप खुद को तरोताज़ा और सेहतमंद महसूस करेंगे। हालांकि जरूरी है कि आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सुबह देर तक सोना और खान पान को लेकर लापरवाही आपके स्वास्थ्य पर खराब असर डाल सकती है। इस दौरान बासी भोजन से परहेज करें, आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। पेट संबंधी कुछ दूसरी समस्याएं भी आपको घेर सकती हैं। आप अपने भोजन में हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज को शामिल करें। इस दौरान गुप्त रोग जैसी समस्याएं से आपको राहत मिलेगी। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। उपाय के तौर पर प्रत्येक शुक्रवार को 11 बताशे माँ दुर्गा को अर्पित करें। शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर जाकर लाल पुष्प चढ़ाएं। ओपल रत्न धारण करना भी लाभदायक रहेगा और श्री सूक्त का पाठ करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का जून मासिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि जून का महीना आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.